हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं वरुण शर्मा। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैंने नर्सरी से जो अभी लास्ट वीक में पौधे लिए थे, छोटे छोटे अलग अलग जो है कैटेगरी के प्लांट्स मैंने परचेज़ किए हैं। तो आज हम उनको जो है उनके पॉलीथीन बैग में से उनको पॉट्स में मूव करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पौधे पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये मैंने सब जो है नर्सरी से मंगवाए हैं और ये छोटे छोटे पौधे हैं, अभी बेबीज़ प्लांट आप कह सकते हैं। जब ये पॉट्स में इनको मैं मूव कर दूँगा तो ये अपने आप से ग्रो करेंगे। और ऑफ कोर्स आपको इनकी केयर करनी है, वो मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आप अपने जो नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं उनकी केयर करें जिससे कि वो मरे नहीं। जनरली क्या होता है, हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं वो कुछ दिनों में मर जाते हैं, बट अगर आप उनकी सही से केयर करेंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखा रहा है। पीछे देखिए, मैंने उनके लिए पॉट्स भी मंगवाए हैं, कुछ एक जो है 4 इंची का पॉट है और एक बाकी 10 इंची के पॉट्स हैं। तो हम उनके अंदर इनको मूव करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्लांट्स हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके हर एक प्लांट का एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि कौन सा प्लांट कौन सा है। और ये इसके स्टैंड्स है जिसमें हम इसको रखेंगे, और ये हैं छोटे वाले पॉट्स और ये 10 इंची वाले पॉट्स। अब इनको इनके अंदर माइग्रेट करेंगे प्लांट्स को। ये हमारे सारे प्लांट्स जो है हमने नर्सरी से जो मंगवाए थे। और ये पीछे हमारा जो एग्जिस्टिंग गार्डन है, आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए मौसम चेंज हो गया तो पॉट्स जो हैं वापस से ग्रीन हो गए हैं। ये देखिए, ये मैंने इनके पानी के लिए बकेट रखा हुआ है। ये देखिए मिनी क्रिसमस ट्री। हर वैरायटी का पौधा यहाँ लगा हुआ है। जामुन का पौधा, ये पाम ट्री, ये नींबू का पौधा। ये देखिए काफ़ी सारे पौधे हैं, इवन टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं। ये टमाटर लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये जो है अनार का पेड़, फूल लगते हैं बट इसमें फल लगते नहीं है क्योंकि जो इसकी पॉट जो है छोटा है, इसको स्पेस अच्छी मिल नहीं रही। ये चाइनीज़ नींबू, इसमें काफ़ी नींबू लगते हैं, पर ये अपना देसी नींबू है। ये रहा, एक नींबू लगा भी हुआ है। ये देखिए लगा हुआ नींबू, देखा आपने, एक नींबू लगा भी हुआ है। और ये अभी भिंडी के पौधे लगाए हैं। और ये देखिए पूरे प्लांट्स हैं यहाँ पर सारे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपने जो हमने नए पॉट्स जो पौधे लिए हैं उनको गमलों में लगाते हैं। ये सब अब हम इनको उन पॉट्स के अंदर लगाएंगे। उसके लिए हमें पहले थोड़ी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। मिट्टी हम तैयार करेंगे कोकोपीट को, और मिट्टी को मिक्स करके उसके बीच में थोड़ी सी खाद डालेंगे। अभी पहले हम इनके लिए मिट्टी तैयार करते हैं, फिर इनको जो है गमलों में मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।